हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले और आप आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन से अपडेट रहें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा टैबलेट वोमिनोरम के बारे में है। टैबलेट वोमिनोरम का एमआरपी क्या है, कंपोजिशन क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसका रेट क्या है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, सब कुछ जानेंगे, सब कुछ रिव्यू करेंगे। आज हम टैबलेट वोमिनोरम का रिव्यू करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा प्लीज। देखिए फ्रेंड्स, टैबलेट का नाम है वोमिनोरम और इसका कंपोजिशन है मेटोक्लोप्रामाइड। इसका कंपोजिशन है मेटोक्लोप्रामाइड और मेटोक्लोप्रामाइड इस एक टैबलेट में 10 mg डाला गया है और ये सिप्ला कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है जो कि अच्छी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है और एक स्ट्रिप में 10 गोली आती है और इसका रेट रहता है 10.43 रुपये एक स्ट्रिप का। और फ्रेंड्स, ये स्पेशली यूज किया जाता है वोमिटिंग के लिए, जिन लोगों को वोमिटिंग हो रही हो या वोमिटिंग का मन हो रहा हो, गैस की वजह से वोमिटिंग का मन है या फिर कुछ लोग बासी भोजन खा लेते हैं कई बार, या कुछ लोग फास्ट फूड खा लेते हैं, या फिर कुछ लोग ज्यादा चाय पी लेते हैं, या फिर कुछ लोगों को सफर गाड़ी में या फिर ट्रैफिक में की वजह से वोमिटिंग का मन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को यूज किया जाता है। टैबलेट का नाम है वोमिनोरम और इसका कंपोजिशन रहता है मेटोक्लोप्रामाइड 10 mg और इसका रेट रहता है 10 रुपये और ये स्पेशली यूज किया जाता है वोमिटिंग के लिए। और इसका ये टेबलेट का ये स्ट्रिप का कलर है और एक स्ट्रिप में 10 गोली आती है और ये वाइट गोली है, वाइट इस गोली है निकलेगी अंदर से और छोटी सी गोली है, निगलने में आसानी है। सबसे पहले इस टेबलेट को डॉक्टर की सलाह से यूज करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और अगर किसी को कुछ साइड इफेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर से ट्रीट कराएं। ये मेटोक्लोप्रामाइड जो कंपोजिशन रहता है ये वोमिटिंग के लिए बहुत अच्छा माना गया है और ये नजदीकी मेडिकल केमिस्ट से आप परचेज इसको कर सकते हैं टैबलेट को। और जब आप इसको यूज करें तो एक बार यूज करने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से या फिर नजदीकी फार्मासिस्ट से कंसल्ट जरूर करें इसको लेने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले। बाकी मैंने इसका आपको रेट, कंपोजिशन और एमआरपी और यूजेस बता दिए हैं। साइड इफेक्ट्स इसके बता देता हूं आपको, साइड इफेक्ट इससे आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इससे आपका पेट गड़बड़ा सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और दस्त भी आपको लग सकते हैं, शरीर पे कहीं पे रिएक्शन हो सकता है, कहीं पे एलर्जी हो सकती है, लाल लाल दाने हो सकते हैं और या फिर आपका सिर में दर्द हो सकता है, सिर भारी हो सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। वैसे मोस्टली देखा नहीं गया है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को हो जाते हैं, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से ट्रीट कराएं। बाकी टेबलेट वोमिनोरम के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अगर कुछ रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।